अस्सलामुअलैकुम PCOS के जितने मरीज़ हैं आप सबके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ अगर आपके पीरियड्स ख़राब हो रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वज़न बढ़ रहा है, तो प्लीज़ जो भी इस वक्त आपका वज़न है उससे 10 किलो वज़न आप कम कर लें। जैसे ही आप 10 किलो वज़न कम करेंगे आपके इंशाल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आप उनको कोई 21 दिन गोलियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। 21 दिन गोलियाँ खाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर पीरियड्स आते हैं, फिर तीसरे दिन से नया पता शुरू करते हैं, फिर बहुत सारे लोग ये ओवुलेशन इंडक्शंस लेते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। PCOS में अगर आप वज़न कम करते हैं आपके सारे मसाइल हल हो जाते हैं। 10 किलो वज़न कम करना है करंट वेट से। और फिर आप BMI कैलकुलेटर निकालें, उसके साथ अपना हिसाब करें। अगर किसी का वज़न अल्लाह ना करे 100 किलो से भी ऊपर है तो फिर ज़ाहिर है आपके लिए 10 किलो वाला क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर आप 10 kg नीचे करें। मेरे साथ भी इवन कंसल्टेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है, किसी को मोटिवेशन चाहिए, डाइट प्लान्स चाहिए, वो एक अलग कहानी है। बट वंस अगर आपने वज़न भी कम कर लिया है और फिर भी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ फिर आप ज़रूर है, फिर देखने की ज़रूरत है कि इसके अलावा और क्या मसाइल हैं जो अभी तक डायग्नोज नहीं हो सके। लेकिन इस वक्त PCOS सिर्फ वज़न कम करे। थैंक यू सो मच।